को सीधा लिए चलते हैं हिंडौन, जहां पे इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के भाई, गजब प्यार किया आपने, इस सेवक पे आपने भरोसा किया, लेकिन आज 5 साल हो गए तो आपका हक बनता है और मेरी जिम्मेवारी बनती है। आप मुझे बताइए, क्या ये आपका सेवक आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा कि नहीं उतरा? आपको संतोष है? आप खुश हैं? पहले से ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा? पूरी ताकत से मिलेगा? आज पूरी दुनिया भारत की आवाज सुन रही है कि नहीं सुन रही? दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आप खुश हैं? साथियों, अभी 2 दिन पहले ही भारत के बहुत बड़े दुश्मन आतंकवादियों का सरगना मसूद अजहर को दुनिया की सबसे बड़ी संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया है। पाकिस्तान में बैठा आतंकियों का ये आका कई वर्षों से भारत को घाव पर घाव दे रहा था। मेरे राजस्थान की अनेक वीर माताओं ने अपने वीर बेटे खोए, राजस्थान के अनेक सपूत शहीद हुए, इन आतंकियों के पीठ पर घाव करने के कारण। लेकिन अब इस आतंकी का पाकिस्तान में मौज करना मुश्किल हो गया। साथियों, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और उसके बाद ये तीसरी पाकिस्तान के मंसूबों पर, आतंकवादियों के मंसूबों पर, आतंकवादियों के सरगना पर ये तीसरी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्ट्राइक हुई है। तो पीएम मोदी अब प्रदेश के दौरे पर है और हिंडौन सिटी में पीएम मोदी का संबोधन शुरू हुआ। पीएम मोदी ने यहां एनडीआरएफ, भारतीय कोस्ट गार्ड, भारतीय नौसेना, सेना पूरी मुस्तैदी के साथ प्रशासन के साथ जुटी हुई है। मैं चक्रवात प्रभावित राज्य सरकारों को और वहां के लोगों को भरोसा देना चाहता हूं कि पूरा देश, केंद्र सरकार संकट के इस समय में हमारे उन सभी साथियों के साथ है, उन सभी परिवारों के साथ है, उन सभी राज्य सरकारों के साथ है जहां चक्रवात की आपदा आई है। साथियों, बड़ी से बड़ी मुश्किल में हम सभी भारतीयों का एकजुट होकर मुकाबला करना एक भारत श्रेष्ठ भारत की ही पहचान है। भाइयों और बहनों, 5 वर्ष पहले आप सभी ने
पूरे देश ने, राजस्थान ने एक भरोसे के साथ अपने इस सेवक को देश के लिए काम करने का अवसर दिया था। राष्ट्रवाद से ओतप्रोत इस माटी के एक एक जन ने ये सोचकर सभी की सभी सीटें भाजपा को दी थी कि देश की धाक दुनिया में हो। आपकी उम्मीदों पर आज ये सेवक, मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, जवाब देंगे? सबके सब जवाब देंगे, वहां भी जवाब देंगे, उधर से भी जवाब आएगा। आपने मुझे 25 की 25 सीटें दी थी, ये राजस्थान का प्यार कम नहीं है भाई, गजब प्यार किया आपने। सेवक पे आपने भरोसा किया, लेकिन आज 5 साल हो गए तो आपका हक बनता है और मेरी जिम्मेवारी बनती है। आप मुझे बताइए, क्या ये आपका सेवक आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा कि नहीं उतरा? आपको संतोष है? आप खुश हैं? पहले से ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा? पूरी ताकत से मिलेगा? आज पूरी दुनिया भारत की आवाज सुन रही है कि नहीं सुन रही है? दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आप खुश हैं? साथियों, अभी 2 दिन पहले ही भारत के बहुत बड़े दुश्मन आतंकवादियों का सरगना मसूद अजहर को दुनिया की सबसे बड़ी संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकित घोषित किया है। पाकिस्तान में बैठा आतंकियों का ये आकार कई वर्षों से भारत को घाव पर घाव दे रहा था। मेरे राजस्थान की अनेक वीर माताओं ने अपने वीर बेटे खोए, राजस्थान के अनेक सपूत शहीद हुए, इन आतंकियों के पीठ पर घाव करने के कारण। लेकिन अब इस आतंकी का पाकिस्तान में मौज करना मुश्किल हो गया है। साथियों, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और उसके बाद ये तीसरी पाकिस्तान के मंसूबों पर, आतंकवादियों के मंसूबों पर, आतंकवादियों के सरगना पर ये तीसरी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्ट्राइक हुई है। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई है कि नहीं निकल गई? हेकड़ी निकली कि नहीं निकली? आपको अच्छा लगा? यही होना चाहिए ना, मोदी सही रास्ते पर है, आपके आशीर्वाद है ना। साथियों,
आतंक और आतंकियों से निपटने के कांग्रेस के और भाजपा के तरीकों की तुलना नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? कांग्रेस और भाजपा की कोई तुलना हो सकती है क्या? याद करिए, यही कांग्रेस थी जो कहती थी कि हर एक आतंकी के हमले को रोकना मुमकिन नहीं है। कांग्रेस कहती थी कि नहीं कहती थी? जबकि हमने यह साबित किया है कि जम्मू कश्मीर के दो या तीन जिले को छोड़कर आतंकी अब अपनी मनमर्जी सेना और नागरिकों पर कोई हमला नहीं कर सकते। हमने आतंक के विरुद्ध अपने संकल्प को सिद्ध करके दिखाया है। भाई और बहनों, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो आतंकी हमले रोजाना की बात हो गए थे। कोई भी शहर कांग्रेस के कार्यकाल में सुरक्षित नहीं था। हर व्यक्ति जानता है कि किस तरह 2008 में मुंबई में आतंकवादियों ने हमला किया था। उस समय जो मुंबई में हुआ वो न तो पहला आतंकी हमला था और न ही आखिरी। साथियों, याद करिए, उन्होंने ये बात मैं इसलिए बताता हूं कि मेरे मीडिया को मित्रों को भी कभी पता रहे, याद रहे, अकेले 2008 में मैं एक साल की घटना याद कराना चाहता हूं। आज 2008 में जनवरी में उत्तर प्रदेश के रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया। उन्होंने मई में यहां राजस्थान में जयपुर में बम धमाके किए। बाद में उन्होंने जुलाई में बेंगलुरु में सीरियल बम धमाके किए। बेंगलुरु को दहलाने के अगले ही दिन उन्होंने अहमदाबाद में बम धमाके किए। फिर उन्होंने दिल्ली में सिर्फ सितंबर महीने में दो अलग अलग आतंकी हमले किए। इसके बाद अक्टूबर में पूर्वोत्तर के तीन बड़े शहर गुवाहाटी, अगरतला, इम्फाल सीरियल ब्लास्ट किए। इसके बाद ये सारा 2008 का हिसाब मैंने बताया। और इतना होने के बाद 2008 नवंबर में 26/11 को मुंबई में भयानक बड़ा हमला हुआ। होटल में रहे हुए लोगों को मार दिया। ताज पे हमला हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए। आप सोचिए, पूरा साल भर हमले होते रहे और 26/11 को इतनी बड़ी घटना हो गई। सोचिए उस समय स्थिति क्या थी और अब क्या है। आप बताइए, क्या आप, क्या कारण है आतंकवादी अब हिम्मत नहीं करते हैं? क्या कारण है, क्या कारण है?
जरा पीछे वाले बताइए क्या कारण है। ये महिलाएं बताएं क्या कारण है, क्या कारण है, क्या कारण है। अरे मोदी कारण नहीं है, आपका जवाब गलत है। कारण आपका एक वोट है, ये आपके वोट की ताकत है जिसने राजस्थान ने मोदी को 25 की 25 सटे दी। उसकी ताकत है कि मोदी मुकाबला करता है। आप मेरे साथ नहीं होते, राजस्थान की वीर भूमि न होती, राजस्थान की वीर माताओं के आशीर्वाद नहीं होते, तो भाई कांग्रेस में और मेरे में फर्क क्या होता। अब हमारी माताएं एवं बहनें निश्चिंत होकर शॉपिंग कर सकती हैं और बच्चे बिना किसी डर के खेत कूद कर सकते हैं, रिश्तेदारों के यहां जा सकते हैं। भाइयों और बहनों, ये भी याद रखिए कि भारत में आज तक दो बार ही ऐसा हुआ है। ये भी याद रखिए, दो बार ऐसा हुआ जब आईपीएल की इतनी बड़ी मैच, मजा आता है लोगों को, पूरी युवा पीढ़ी आईपीएल में इंटरेस्ट रखती है, लेकिन दो बार आईपीएल, हिंदुस्तान की खेल, हिंदुस्तान का आईपीएल हिंदुस्तान में नहीं खेला गया, साउथ अफ्रीका में खेला। ये दो साल थे 2009 और 2014, और दिल्ली में बैठी हुई सरकार इतनी डरी हुई थी, आतंकवादियों से इतनी कांपती थी, ये सरकार में दमी नहीं था, दम नहीं था। उन्होंने क्या किया 2004 में और 2009 में, उन्होंने कह दिया 2009-2014 में कि चुनाव है, हम चुनाव में हमारी पुलिस और सुरक्षा के काम होते हैं, इसलिए हम आईपीएल नहीं करेंगे। भाइयों बहनों, इस बार भी चुनाव चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चुनाव चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नवरात्रि आया कि नहीं आया, रामनवमी आई कि नहीं आई, हनुमान जयंती आई कि नहीं आई, आने वाले दिनों में रमजान आने वाला है कि नहीं आने वाला, चुनाव चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर भी आईपीएल होता है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप पीएम मोदी को हिंडौन सिटी में सुन रहे थे, क्योंकि आज प्रदेश के दौरे पर है पीएम मोदी। और आपको बता दें, यहाँ पीएम मोदी ने बड़ी बातें कही। पीएम मोदी ने एक ये भी कहा कि चक्रवाती तूफान से जो भी राज्य प्रभावित हुए हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ और केंद्र सरकार उन सभी राज्यों को जो भी जरूरत होगी उसका समाधान निकाल के देगी। और साथ ही पीएम ने ये भी दावा किया कि आज भारत का डंका पूरे विश्व में बज चुका है और पूरा विश्व भारत की धाक को मानता है।